बच्चे भी उधर एक हमारे आर्मी में नौकर हैं, वो घरों में घर में हाथ बंद बंद के मैं उनके आगे गिरेदारी करती रही, नहीं तोड़ो हमारा, नहीं तोड़ो हमारा, इसी ने हमें कुछ वक्त मांगा कि कुछ बहुत अर्जी किया, हमने बोला हमको मोहलत दो एक हफ्ते के लिए, मोहलत दिए गए हम कहाँ जाए, कौन सा थारा जो हम किराए पर हम नहीं रह सकते, गरीब लोग घर हम नहीं बना सकते, क्या करेंगे हम, इंसाफ करो, इंसाफ करो, गरीबों के साथ इंसाफ करो, हमें चलेगी नहीं चलेगी, इंसाफ करो, 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 साले उनके इसमें हमसे भी जो हो सकता है, जो हमसे बंद पड़ेगा हम करेंगे, मगर हम सबको मिलके हिम्मत करनी पड़ेगी। ऐसे तो ये लोग जो है आ जाएंगे, आज ये बस्ती हटाई, कल दूसरी हटाएंगे, परसों तीसरी हटाएंगे, और गरीबों को इसी तरह से खदेड़ के अमीरों के हाथों में ये जमीन देके उनसे बड़े बड़े वो बनवाएंगे फ्लैट्स, और उसके बाद इनकी हिस्सेदारी होती है। बोलते हैं 2015 में हमें प्लाट मंजूर कर दिया, उनको दिखाई नहीं दे रहे, हम बस रहे हैं बीच में, उनको कैसे किया उन्होंने, बकवास करते हैं, बकवास करते हैं, ऐसे कैसे जहाँ लोग रहते हैं वो प्लॉट कैसे किसी को दे सकते हैं, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। हम क्या करें, हिम्मत और तो कुछ नहीं, मैं क्या बताऊँ आपको, इस वक्त ऐसी सरकार है जो अंधी भी है, बहरी भी है और गूंगी भी है, इसको गरीबों का दर्द सुनाई नहीं देता है, गरीबों को जड़ से निकाल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये गरीबों की कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं, गरीबों के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, एक तो मकान देने तो दूर की बात है, जो है उनको ही तोड़ रहे हैं, हमें बड़ी मुश्किल से बनाए छोटे छोटे घर, हाँ वो तो ठीक है, वो कैसे मुश्किल से बड़ी मुश्किल से घर बनता है, उसमें चीजें जो होती हैं वो 50-50-60 साल से जमा कर कर किए होती है, सारा बर्बाद कर दिया उन्होंने, ये कोई तरीका है क्या, ऐसे होता है, ऐसे इसीलिए आए हैं क्या वहाँ से लेफ्टिनेंट गवर्नर की, यहाँ इतना जुल्म करे, इतना सितम करे, यहाँ के सिंह जी का घर क्यों नहीं अभी तक डिमांड हुआ, तो सात तरह उनके पास भी कोई वकील जवाब नहीं था, कच्चा मकान था वो भी आज गिराया, इस समय आप देख रहे हैं यहाँ के लाइव दृश्य दैनिक संस्कार के माध्यम से, महिलाएं अपनी अपना दुख दर्द यहाँ पर जो युवतियां हैं अपना दुख दर्द सुनाते हो, महबूबा मुफ्ती के साथ लड़कियों को हमारी चांदे लगाए उन्होंने पत्थर लगाए, हमारी पानी वाली टंकियां तोड़ दी गई हैं, हमारे बाथरूम पूरे तोड़ दिए गए हैं, हमारे घर तो सामान नहीं बाहर निकाल सके, बच्चे को बोला कि हॉस्पिटल लेके जाए, पर कौन जाएगा उसके साथ, हमारे भाई यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल है, मेरे बाप सारे जितने भी मेरे भाई सारे यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल है, कौन उसके साथ जाएगा, मैं इतनी ज्यादा मुसीबत, इतनी ज्यादा मुश्किल, इस टाइम देखिए जो हवा चल रही है, जो ठंड चल रही है बाहर, उसमें हम कैसे, बुजुर्ग हमारे स्पेशली मैम जो बुजुर्ग है हमारे वो क्या करेंगे, 47 से पहले के बैठे हुए ज्यादा प्यारी थी हमारे वाली जगह, तो हमारे को 60 साल 50 साल पहले निकाल देना था, ये मेरी भी हमारे को टाइम लगा उनको निकालने के लिए, ये मेरी मदर है यहाँ पे, मेरी माँ जैसी है, ये भी ये कह रही है कि जब ये सब हुआ, जब जेडीए वाले आए पहले करने के लिए, इनके कुछ अंदर जेवर थे, कुछ पैसे थे, वो चोरी हो चुके हैं, क्योंकि हमें पुलिस वालों ने इतनी परमिशन नहीं दी थी कि हम खुद जाके अपना वहाँ से सामान निकाल पाए, हम अपनी चीजें जो कीमती चीजें होती हैं, जैसे मेहनत मजदूरी कर करके हमने एक चीज अपने घर की जोड़ी थी, बनाई थी, इनकी कुछ वहाँ पे कीमती चीजें थी, हमें इतनी मोहलत नहीं दी, इतना हमें टाइम नहीं दिया कि वो जाके निकाल पाए, अंदर जाने नहीं दिया, इनके पैसे थे, इनके जेवर थे, पूरा एरिया हम कार्डन कर दिया, 700 पुलिस स्टेशन पुलिस वाले, हमें डंडों से ऐसे झगड़ा हुआ था कि ऐसे डंडे आगे लगवाए थे कि आप आगे नहीं जा सकते, किसी को बाहर से नहीं आने दिया, हमको बाहर नहीं जाने दिया, जब बाहर वाला बच्चा बाहर गया, अंदर वाला तो अंदर, अगर हमारे घर के कुछ जैन से तो उनको पुलिस स्टेशन में पहले ही बिठा दिया था ताकि वो कुछ बोल ना, मैं उनके आगे हाथ भी जोड़े, मैंने बोला हाथ जो बनाना उधर बनाओ, हमारे बच्चों का घर छोड़ दो, मगर किसी ने नहीं छोड़ा, हम 8 भाई हैं, हमें उधर से ले गए इधर तक सबके तोड़ दिए, बहुत मैंने उनको तीन तीन बच्चे भी शादी है, बच्चों के आगे बच्चे भी है, हमारे बच्चे आगे बच्चों के आगे बच्चे, हम 47 से रहने वाले हैं, हमारे बाप दादा भी इधर ही गुजर गए हैं, दादा के परदादे भी इधर गुजर गए हैं, 60 साल तो मेरी शादी ने भी हो गए हैं, क्या करें हम, बताओ ना हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई रहने के लिए जगह ही नहीं है,
हम गरीब लोगों ने कैंसर पेशेंट्स है वो, उनको घसीटा जैसे कुछ कहने में आया। हाँ जी, कुछ हमारे भाई जो देश की रखवाली कर रहे हैं उनके घर भी यहाँ तोड़ रहे हैं।